हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ एडजेक्टिव और फ्रेज। ये वीडियो लेक्चर इसलिए है क्योंकि जब मैं आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए खास है गाइज। चलिए गाइज, अविलंब हम टॉपिक पर चलते हैं। गाइज एडजेक्टिव फ्रेज क्या है समझते हैं आप? इससे तो समझ गए होंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ही आपका एडजेक्टिव है। चलिए गाइस देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज गाइस जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता सब्जेक्ट गैर सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं बताते हैं या बताता है उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, यानी जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं सब्जेक्ट की, एडजेक्टिव क्या है? जैसे गुड, ब्लैक, ब्यूटिफुल, आई कैंडी, दीज आर एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स। तो जिस पर एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताए, सब्जेक्ट के बारे में बताए, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, ठीक है, स्टॉलवर्ड है, कैसा है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जिक्र कर रहा हो, सब्जेक्ट कैसा है, तो वो कहने तात्पर्य है जिस प्रकार एजुकेटिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। यानी सब एजुकेटिव किसकी विशेषता है? सब्जेक्ट की। जैसे तुम खूबसूरत हो, तुम हैंडसम हो, तो वहां पर तुम हैंडसम होना यानी खूबसूरत होना वो किसके बारे में जिक्र किया? तुम अर्थात यू सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया। तो एजुकेटिव जो है सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। उसी प्रकार सेम वाइज उसी प्रकार सेम दैट एडजेक्टिव और फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। देखते हैं गाइस कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बताया कि एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता है, जैसे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसके बारे में जिक्र कर रहा है गैस? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या आपका? यू है। यू का क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हम लिख दें ही इज डिलेक्टिबल। डिलेक्टिबल का क्या है? एडजेक्टिव। वह अति सुंदर है, ही इज डिलेक्टिबल। लेकिन ये किसी अगर महिला के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाए शी। आपको अलग आना होगा,
She's a delectable man. वह सुंदर महिला है. अति सुंदर. तो ये आपका एडजेक्टिव किसके बारे में बताया? She. सुंदर महिला कौन है? वह एक सुंदर महिला है. तो ये आपका एडजेक्टिव है. अब हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है. चूंकि एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं. चलिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल. इसे गाइस द पढ़ना चूंकि टी टी आपका कंसोनेंट है तो टी से पहले टी एच द है कंसोनेंट पर तो वहां पर प्रोनाउंसिएट होता है द. द ब्लैक कैट सिटिंग ऑन द टेबल इज मूविंग. इज मूविंग रनिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं. Dancing, कुछ भी. The black cat sitting on the table is moving. Guys, ध्यान दीजिए guys. ये आपका subject है guys. आप जानते हैं subject. The black cat ये पूरा आपका subject है guys. Says सब आपका predicate है. इसके बारे में भी आप जानते हैं. मैंने subject predicate के बारे में अच्छी तरह समझाया है. अब सवाल ये होता है कि इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है जो सब्जेक्ट के बारे में जिक्र कर रहा है. द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल. सिटिंग अंडर द टेबल ये पूरा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है गाइस. एडजेक्टिवल फ्रेज चलिए गाइस और हम डिटेल्स में समझते हैं. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए गाइस देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो सकता है. इसको हम देखते हैं अच्छी तरह समझते हैं. एज जैसे गाइस यहां पर हम लिखते हैं कलम लेकर. या कलम वाला या कलम बेचने वाला. कलम बेचने वाला हालांकि आप इसे पेन सेलर नहीं कह सकते. मैं वाक्य में इन सबको मैं भी एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में समझा रहा हूं. अभी आप समझेंगे जब सेंटेंस में ऐड होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं. जैसे पानी लेकर या नीली आंखों वाला. वाला या फिर नीली आंखों वाली.
काला चेहरा वाला। या काले चेहरे वाले। वाली वाले कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सभी गैज क्या है आपके, ये सभी आपके एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, ये सब आपके एडजेक्टिवल फ्रेज हैं। समझेंगे अभी। शक्तिशाली अंगों वाला, अंगों वाला, वाली, सुंदर या खूबसूरत ड्रेस वाली, वस्त्र वाली, कपड़े वाली, वाली या वाला, ये सभी आपको क्या है गैस, एडजेक्टिवल फ्रेज है। कॉर्नर में या फिर कोने में आप कह सकते हैं बैठे हुए। बैठे हुए ये सभी आपके क्या है, क्या गैस, एडजेक्टिव फ्रेज है। गली में टहलते हुए, ईट सी, ये सभी गैज आपके एडजेक्टिव फ्रेज है। गैज कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कलम लेकर आओ, कलम लेकर आओ, तो आप अक्सर लोग करते हैं कम टू टेक, कम टू टेक अ पेन, कम टू टेक द पेन, तो इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं। या खूबसूरत चेहरे वाली, मैंने एक खूबसूरत चेहरे वाली लड़की को देखा, मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जाते हुए देखा, या फिर मैंने एक नीली आंखों वाली लड़कियों को देखा। तो इस तरीके जब भी वाक्य आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए क्या यूज करें, ये आप एडजेक्टिवल फ्रेज में आप समझेंगे गाइस। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए गाइस देखते हैं। अगर मैं लिखूं प्लीज, प्लीज के बाद आप कम देंगे गाइस, प्लीज कम विद अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर प्रीपोजिशन आएगा विद, इन, ये सभी आपको प्रीपोजिशन आ सकते हैं, विद आ सकता है, इन आ सकता है। तो ये जो विद, इन, प्रीपोजिशन, हालांकि इसके साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर टू टेक नहीं होगा, विद होगा या फिर इन होगा, ये एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी इन सभी नाउंस के साथ विद, इन जुड़ा रहेगा गाइस। प्लीज कम विद अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास पानी लेकर आओ, क्या आप ऐसा भी बोल सकते हैं। प्लीज कम, कम विद माय पेन, कृपया मेरा कलम लेकर आओ, जब इस तरह से आ गया प्लीज कम विद माय पेन, कृपया मेरा कलम लेकर आओ, प्लीज कम टू टेक माय पेन, प्लीज कम टू टेक माय पेन। गाइस ये वाक्य आपका रॉन्ग है, पूरा सेंटेंस रॉन्ग है गाइस। इसलिए इन केसेस में, ऐसे केसेस में आप कम टू टेक यूज नहीं कर सकते गाइस, प्लीज कम टू टेक हट जाएगा, तो क्या कम विद माय पेन,
चलिए गाइस देखते हैं एग्जांपल समझते हैं. अगर गाइस अभी मैंने बताया जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं. नोट में एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस, नोट में मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूं नोट विशेष में आप लोग इसके बारे में जानिए. मैंने बताया कि जिस तरह एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है. डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स तथा एडजेक्टिव डिटरमिनर्स तथा एडजेक्टिव सब्जेक्ट से पहले आते हैं. सब्जेक्ट से पहले आते हैं जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज मुख्य कर्ता यानी मेन वर्ब मुख्य कर्ता के बाद आते हैं. गाइस इस बात आप लोग को ध्यान रहे कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट से पहले आते हैं. गाइस डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव क्या होते हैं यानी सब्जेक्ट से पहले प्रयोग में आते हैं. मैंने बताया एडजेक्टिव के बारे में ये सब्जेक्ट से पहले आते हैं लेकिन अभी डिटरमिनर्स के बारे में इसलिए हालांकि मैं इसीलिए एडजेक्टिव फ्रेज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को तक जो है पहुंचा रहूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में डिटरमिनर्स क्या है इसमें आप समझेंगे. जब मैं आर्टिकल का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आर्टिकल के बारे में आपको समझाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह समझेंगे. डिटरमिनर्स तथा एडजेक्टिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से पहले आते हैं जबकि एडजेक्टिव फ्रेज मुख्यकर्ता के बाद आता है. गाइस अभी आप समझेंगे यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को छुपाया प्लीज कम ये मैं किसे व्यक्ति से कह रहा हूँ जिसके बारे में जान रहा हूँ समझ रहा हूँ मैं किसे कह रहा हूँ इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हाइड हुआ है छुपा हुआ है हिडन है तो यहाँ पर यह हमेशा मुख्यकर्ता के बाद आया हुआ है. गाइस हमेशा भी कह सकते हैं यू कम विद द ग्लास ऑफ वाटर आई सागर विद माय टू लिम्स इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. गाइस डिटरमिनर्स क्या है गाइस चलिए समझते हैं. डिटरमिनर्स क्या है जो सब्जेक्ट से पहले आते हैं और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट से पहले आते हैं और ये भी मैंने बताया कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है. डिटरमिनर्स तथा एडजेक्टिव गाइस आप नोट में ध्यान दें दिस दैट दीज दोज ए एन द दीज आर डिटरमिनर्स गाइस ये सभी कर्ता से पहले प्रयुक्त होते हैं. गैस दिस दैट दीज दोज ए एंड द ये सभी आपके क्या है गैस ये सभी डिटरमिनर्स हैं. दीज आर डिटरमिनर्स दीज आर डिटरमिनर्स दिस दैट दीज दोज ए एंड द दीज आर डिटरमिनर्स गैस ध्यान रहे ये सभी आपके डिटरमिनर्स हैं गैस. चलिए गैस और एग्जांपल से समझते हैं. डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव सब्जेक्ट से पहले प्रयोग में आते हैं कैसे देखते हैं.
A beautiful girl. A beautiful girl was going इस तरीके से आपको लिखा है अ ब्यूटिफुल गर्ल विद स्टिक अ ब्यूटिफुल गर्ल विद स्टिक इज रनिंग अ ब्यूटिफुल गर्ल विद स्टिक इज रनिंग एक सुंदर लड़की छड़ी लेकर दौड़ रही है गाइस अ ब्यूटीफुल गर्ल ये पूरा तो आपको वैसे सब्जेक्ट है और शेष सभी आपका प्रेडिकेट है लेकिन हमारा जो उद्देश्य है हमें समझना है कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव गाइस ये आपका देखिए गाइस ए आपका डिटरमिनर्स है ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है गाइस ये आपका नाउन है डिटरमिनर्स एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन आ सकता है अब ये आपका पूरा विद स्टिक यहां तक विद स्टिक ये विद स्टिक ये गाइज आपका एडजेक्टिव फ्रेज है ये भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है अ ब्यूटीफुल गर्ल कैसी लड़की एक सुंदर लड़की छड़ी लेकर ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है ये इसकी विशेषता बता रहा है और गाइस डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव मुख्य कर्ता क्या है ये आपका सब्जेक्ट क्या है गर्ल यानी इससे पहले प्रयुक्त हुए हैं ये दोनों इस नाउन से पहले आपका डिटरमिनेंट आया है वो ब्यूटीफुल आया है विद स्टिक इज रनिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल विद स्टिक इज रनिंग विद स्टिक एडजेक्टिव फ्रेज है इज आपका वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है रनिंग आपका वर्ब है गाइस मेन वर्ब चलिए गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए गाइस और बेहतर तरीके से समझते हैं कुछ एग्जांपल से आप गाइस क्लास 12th में एक लेसन जो है विलियम सी डगलस ने लिखा है अ गर्ल विद अ बास्केट आप लोग पढ़े हुए हैं अ गर्ल with a basket टोकरी वाली लड़की है टोकरी बेचने वाली लड़की है a girl with a basket ये लेसन क्लास 12th का है इंग्लिश का है रोज है 11th का है सर 12th का है a girl with a basket 12th का ही है टोकरी बेचने वाली लड़की विलियम सी डगलस ने लिखा है गाइस वहां पर देखिए गाइस टोकरी बेचने वाली बास्केट सेल में लिखा गया है ग्रामेटिकली यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है गाइस अ गर्ल विद अ बास्केट टोकरी वाली लड़की टोकरी बेचने वाली लड़की हिंदी तौर पर हिंदी भावार्थ के अनुसार इस तरीके से आपका होगा प्रयोग गाइस चलिए गाइस देखते हैं अ गर्ल इन फाइन ड्रेस इज डांसिंग अ गर्ल इन अ फाइन ड्रेस इज डांसिंग अनेक लड़की सुंदर वस्त्रों में नाच रही है यानी सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए या धारण पहने हुए
नाच रही है, यानी वह लड़की जो सुंदर वस्त्र धारण किए है पहने हुए नाच रही है। इस तरीके से आप भाव को निकाल सकते हैं। कैसे एक और देखते हैं, द बॉय विद ब्लू आईज, द बॉय विद ब्लू आईज, लड़का एक है द बॉय विद ब्लू आईज। Is coming over here. यानी नीली आंखों वाला लड़का, the boy यानी वो लड़का, वह नीले आंखों वाला लड़का यहाँ आ रहा है, वह नीली आंखों वाला लड़का यहाँ आ रहा है। इस तरीके से आप वाक्य निकल सकते हैं। नीली आंखों वाला वही वह लड़का जिसकी आंखें नीली है यहाँ आ रहा है। तो गैस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा गैस अच्छी तरह, नीली आंखों वाला, पीले वस्त्रों वाला, सुंदर वस्त्रों में, सुंदर कपड़े में, ठीक है, सफ़ेद दांतों वाला, सुंदर चेहरे वाला, कह सकते हैं गैस। इन और विद दोनों में एक अंतर में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इन का प्रयोग आप कब करेंगे और विद का प्रयोग कब करेंगे? इन का प्रयोग आप उस जगह करेंगे गैस, लिख लीजिए गैस, इस पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इन का प्रयोग आप कैसे करेंगे? जब हम कोई चीज या कोई ऐसा वस्तु, वस्त्र, कुछ भी हो, जब हम धारण करते हैं अपने इस काया पर, अपने शरीर पर, तो वहां पर उस नाउन से जुड़ने के लिए जब इन का प्रयोग करते हैं, तो जान लीजिए कि वो चीज मैनमेड है। मैनमेड जो चीज मनुष्य द्वारा बना है, मनुष्य ने जिसे बनाया है, जब वो चीज आप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो वहां पर इन लगाएंगे। लेकिन विद का प्रयोग जो नेचुरली है, खुद में है, स्वयं में अपने आप पे एक लुक है, दिख रहा है, तो वहां पर विद लगाते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इन अ फाइन ड्रेस यानी सुंदर वस्त्रों वाली लड़की नाच रही है, द बॉय विद ब्लू आईज, यानी उसकी आंखें नेचुरली है, नेचुरली है यहाँ पर, यानी उसकी आंखें नेचुरली कैसी है, नीली है, आंखें उसकी नीली है, लेकिन सुंदर ड्रेस ये बनाया गया है, ड्रेस जो है बनाया गया है गैस, इसलिए यहाँ पर ये लगे, लेकिन यहाँ पर आप विद नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखते हैं, गैस माय ये भी आपका जो है डिटर्मिनेंस है गैस, जैसे माय सन या माय डॉटर, माय सन, वी स्टार्ट माय सन वी स्टार्ट नेक, each weeping, my son with short neck, मेरा लड़का यानी जिसकी गर्दन कैसी है, छोटी है, छोटे गर्दन वाला मेरा बेटा, मेरा लड़का रो रहा है, यानी वह लड़का यानी जिसकी गर्दन कैसी है, छोटी है, वह रो रहा है।
यहाँ पर देखिए गाइस, ये नेचुरली है, नेचुरली उसका गर्दन जो है छोटा, बनाया तो गया नहीं अपने हाथ से कि अपने बनाया है मनुष्य द्वारा, गढ़ा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर विद लगाया है गाइस। तो विद इनका प्रयोग, विद एंड इन गाइस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। और कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं गाइस। The dog with sharp teeth is barking. The dog with sharp teeth. यानी नुकीले या धारनुमा दांतों वाला कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग विद शार्प टीथ भौंक रहा है। यहां पर देखिए गाइस, उसके दांते जो उसके दांत है, कुत्ते का जो दांत है, आपने नुकीला किया नहीं, धारनुमा आपने बनाया नहीं, बल्कि नेचुरली है। जो चीज नेचुरली है वहां पर विद आप लगाएंगे गाइस, और जो चीज मैन मेड है वहां पर आप इनका प्रयोग करेंगे। कुछ और भी एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको डाउट नहीं होना है, आप समझ जाएंगे। जैसे अ बॉय ये जरूरी नहीं यहां पर एजुकेटिव भी है, जरूरी नहीं है, नाउन भी आ सकता है आपका सब्जेक्ट रूप में। अब वो आए सिटिंग इन द कॉर्नर इज वीपिंग। A boy sitting in the corner is weeping. यानी लड़का कोने में बैठे हुए रो रहा है। In the corner, corner क्या corner naturally है? कुछ cases आपके corner कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर कोई चीज कुछ ऐसा मोड़ बनाया गया हो और वहां पर भी एक कॉर्नर कहा जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं गाइस, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मेहनत करिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए गाइस जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिले, और आप कमेंट करेंगे आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, जो भी आपके डाउट्स हो गाइस।